The amazing electric gel blaster rifle is here, M416. देख पा रहे कि इस जो पेपर का क्या हालत हो चुकी है। Hey guys, welcome to Airsoft Gun India। और आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक नई गन। ये बेसिकली एयरसॉफ्ट वाटर जेल ब्लास्टर है। इस गन का नाम है SKD वाटर M4 जेल ब्लास्टर गन। सो आज जो है हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं M416 जेल ब्लास्टर। सो ये आप देख सकते हैं कार्डबोर्ड की बॉक्स में आ जाती है। एंड ये रही आपकी जो गन, ये टोटली डिसमेंटल्ड पोजीशन पे है, यानी कि आपको जो है इसकी एक लीफलेट दी जाती है। ये जो है आपको हाफ चाइनीज एंड हाफ जो इंग्लिश में लिखी है। सो आपको इसके हिसाब से जो है अपनी गन जो है मेंटल करनी होती है। बी केयरफुल एंड हमेशा जो है इसे रीड करने के बाद में प्रॉपरली आप मेंटल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कैसे मेंटल करते हैं वो भी मैं आपको सब सारी चीज़ें बता दूंगा। सो बेसिकली मैं गन के बारे में ऊपर से आपको बता देता हूँ। ये जो गन है एक M416 कॉपी है, मीन्स M416 ही है बेसिकली। इन यू कैन से दिस इज अ पॉली और प्लास्टिक फाइबर मेड। सो यहाँ पे आपको मिल जाती है इसकी सेटअप। ये जो है गाइज, ये मैंने जो है ये आपको जो है जेल बीबीज है। ये नॉर्मली आप इसे मैजिक बॉल्स के नाम से भी जानते हैं, जो नॉर्मली दुकान में भी मिल जाते हैं। तो इसके जो है आपको एक पैक आता जाता है, आपको सोक करना है इन द वाटर, और ये आपको बॉटल दी जाती है प्लास्टिक की है। ये जो है एज एन एमओ एक्ट करेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे आपको गन की सारी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे जो है आपको सामने फ्रंट स्टॉक मिल जाती है, बैक की स्टॉक मिल जाती है, ये गन है, ये इसकी मैगजीन है, ये है बैटरी। इस बैटरी को आपको चार्ज करना होगा। नॉर्मल चार्जिंग टाइम फॉर 100% बैटरी इज़ अबाउट 4 hours। सो आपको 4 घंटे अगर आप चार्ज करते हैं तो ये 100% चार्ज हो जाएगी। एंड यहाँ पे इसकी जो नॉर्मल वायरिंग दी गई है। सेकंड थिंग आपको जो है यहाँ पे ग्लास भी मिल जाती है। इट इज़ अ प्लास्टिक नॉट अ ग्लास। फर्स्ट ये एक प्लास्टिक की चीज़ है, ये आप पहन कर जो है यूज़ कर सकते हैं। किन लोगों के लिए बनी है गाइज? मोस्ट प्रोबेबली ये जो गन है ये अबव 14 ईयर्स ओल्ड के बच्चों के लिए बनी है। अगर बच्चों नहीं तो आप फॉर फन अडल्ट पर्सन भी जो है वो फन के लिए यूज़ किया कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक जो है प्रॉपर्टी ऑफ US गवर्नमेंट, ऐसे जो लिखी हुई है ये चीज़, मीन्स जो ओरिजिनल वेपन में लिखी जाती है वही चीज़ है। यहाँ पे आपको जो है सेफ्टी एंड ऑटोमेटिक की ऑप्शन भी मिल जाती है। इट्स बेसिकली समथिंग एल्स है गाइज, कुछ और ही चीज़ है, क्योंकि प्लास्टिक गन्स में जो है ऑटोमेटिक की ऑप्शन है प्लस सेफ्टी ऑप्शन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेड इन चाइना लिखी हुई है। बट गाइज आई रियली हैव टू से द बिल्ड क्वालिटी इज गुड इनफ टू एक्चुअली यूज इट फॉर इयर्स। बाकी आपको मैं पार्ट्स तो बता ही दिए हैं, एंड कैसे मेंटेनिंग करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है ये गन आपकी जो है इस तरीके गन से दिखने से जो है एक प्रॉपर वर्किंग गन देख सकती है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरीके की कुछ गन बन जाएगी। सो अभी आ जाते हैं हम गन की मेंटेनिंग पर। हम ये सारी चीज़ें हटाकर आपको जो है सिर्फ जो गन है कैसे मेंटेनिंग करनी है वन बाय वन स्टेप के हिसाब से आपको बताएंगे जाएंगे। अब इसे कैसे असेंबल करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बट फर्स्ट जो है जो काम की फिलहाल की चीज़ें नहीं है वो मैं साइड ऑफ कर दे रहा हूँ, ये बाद में देख लेंगे, पहले ये देखते चलिए। ये आपकी राइफल है। फर्स्ट जो मैं करने जा रहा हूँ ये आप जैसे चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे कैसे इसे लगाना है, बहुत आसान है। ये जो आप देख पा रहे हैं इसे आपको इजीली ये करना है। अब जो ये फर्स्ट थिंग ही आप जो मिडिल की जो चीज़ देख पा रहे हैं इसको इसके अंदर घुसाना होगा एंड इसके अंदर जो है इसे मूव करना होगा, ठीक है। सो इस तरीके से ये लॉक हो जाती है, मीन्स पूरी तो लॉक नहीं होती, ये निकल जाएगी, बट इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे लॉक करना होगा। एंड फिलहाल के लिए इस तरह से बैठ चुकी है। अब इसके बाद में जो चीज़ें हैं वो एक थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको इन चीज़ों का उपयोग या इस्तेमाल करना होगा। अब ये क्या है, ये जो आपके ऊपर की रेल दिखती है ये फिट करनी होगी। अब रेल जो फिट करनी है आपको यहाँ पे कुछ फिट करनी है, इसके ऊपर के जो है जगह दिया है, यहाँ पे आपको स्क्रूज दिए जाते हैं अलग से, यहाँ पे आपको फिट करनी है। सो जो है मैं अब नॉर्मली जो है इनको फिट करना कहाँ है वो मैं आपको बताते रहो। यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे एक जो है छोटी सी एक होल दी गई है, प्लस आपको यहाँ पे कुछ स्क्रूज दिए गए हैं। पहले इसे जो अच्छे से पोजीशन पर रख लीजिए। सेकंड आपको इसे आराम से जो है यहाँ पे इस तरीके से पोजीशन करना है, ये इस तरह लग गई। आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये स्पेस होगा, ठीक है, ये स्पेस होगा, उसके बाद ये प्रॉपर लगेगी। सेकंड इसे कैसे लगाना है ये भी आपको सेम तरीके से जैसे आप देख सकते हैं ये L shape है, यहाँ पे आपको प्लेस करनी है।
बट इसके पहले यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी ट्रिकी चीज़ है। आपको क्या करना होगा, आपको ये जो है ये रेलिंग भी आपको लगानी है इसके ऊपर फॉर फिक्सिंग दिस। यहाँ पे आपको जैसे मैंने कहा था कुछ स्क्रूज एंड पार्ट्स दिए, ये छोटे से जो है नट बोल्ट्स हैं, इसको आपको जो है इस जगह पर जो है लगा देने या रख देने, जो भी आप कहते हैं। सो आपको यहाँ पे इस तरह से जो है दोनों नट बोल्ट रखने होंगे। जैसे ये हो जाता है, इसे हल्के हाथ से इसे प्रेस कर दीजिए कि ये जो है फिक्स हो जाए। अब ये फिक्स हो चुका है, इसके बाद में ये जो मैंने पार्ट कही थी आपसे, यहाँ पे आपको आप इसे भी फिक्स कीजिएगा। यहाँ पे आपको जैसे मैंने कहा था ये स्क्रू है, छोटे छोटे आपको अलग अलग स्क्रू साइज मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो हल्के हाथ से फिल करना है एंड इसे नॉर्मली जो है टाइट कर लीजिए। सब इस जगह में कौन से स्क्रू लगेंगे, तो आप ये जो है ये स्क्रू देख सकते हैं, ये जो स्क्रू है इस जगह पर लगा हुआ है। सो जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैंने ये तीनों स्क्रू जो है फिक्स कर ली है एंड यहाँ पे मैंने अंदर से जो है नट बोल्ट जो होते हैं वो भी लगवा लिए थे। सेकेंडली आपको ये रेलिंग है, यहाँ पे आपको स्लाइड नहीं करना, नॉर्मली जो है आप ये पार्ट चेक कर सकते हैं। ये जो सामने का पार्ट है ये सामने का पार्ट होगा, ठीक है, ये आप जो है प्रॉपरली एक बार देख ले इसे अगर आपको ये होल्स दिख रहे हैं तो। सेकेंड सेम जो है यहाँ पे आपको होल्स दिखेंगे, यहाँ पे ये स्क्रू है जो आपको लगाने हैं फिट करने हैं। सो यहाँ पे जो आपको इस पार्ट को यहाँ पर रखिए, नॉर्मली जो अपने हाथ से हल्के हाथ से जो मैंने अब इसे प्रेस कर लिया, दबा दिया है अब, बट इसे स्क्रू करना होगा। आपको स्क्रू कैसे करना है, नॉर्मली आपको जो है कुछ इस साइज़ के स्क्रू होंगे, आप जैसे चेक कर पा रहे हैं। सेकेंडली जो है आपको बस यहाँ पे आपको चार पांच जगह दिए गए, यहाँ पे आपको नॉर्मली जो है ये ड्रॉप कर दीजिएगा एंड इसे जो है टाइटन करते जाइएगा। सो गाइज आप चेक कर पा रहे हैं, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे जो स्क्रूइंग करनी है मैंने इसे प्रॉपरली स्क्रू कर ली है एंड फिट कर लिया। अब ये जो है आप जो कह रहे थे, आपका सवाल था, ये प्रॉपरली फिक्स हो चुकी है। सेकेंडली थिंग अब आपको क्या करनी है, काफ़ी आसान सी चीज़ें हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा मशक्क़त की बात नहीं है। ये आपको जो सप्रेसर जैसी जो चीज़ दिख रही है, ये आपको जो है रेड कलर की अलग से मिल जाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों ग्रूविंग्स हैं, आपको ग्रूविंग्स मिल जाती है। यहाँ पे आपको बस इसे ड्रॉप करना है और इसे जो है हल्के हाथ से फिक्स करना है। इट इज़ सो इजी। सो आफ्टर दिस ये आपको जो है एक बोन स्ट्रक्चर दिख जा रही है, यहाँ पे आपको नॉर्मल जो इसे इस तरह से फिक्स कर देना है। ये फिक्स हो जाएगी, इसके बाद क्या करना है, अपने जो है हाथों से इसे प्रॉपरली जो आपको ये चीज़ दिख रही है यहाँ से आपको जो है अंदर इसकी तरफ स्लाइड करते जाना है। जैसे आप स्लाइड कर देते हैं इसे, एक नॉर्मली जो आप अंदर एक ग्रूविंग्स होती है तो और थोड़ा ज़्यादा नहीं, इसे हल्के प्रेशर से अंदर घुसाइएगा और ये फिक्स हो जाएगी और आपकी गन ये यहाँ से फिक्स हो चुकी है। यहाँ पे आप जो देख रही है ये फ्रंट एंड जो है ग्रिप आप देख पा रहे हैं, ये जो है राइफल की इस तरफ से यहाँ पे वो आपको दी गई है। सो इसे आराम से जो है यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं, इसे जो है इस तरीके से कुछ फिक्स कर देंगे। सो ये फिक्स्ड। आपको मैगजीन दिख रही है गाइज, यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी हुई है। सो इसकी कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऑब्वियसली टॉय गन है। अब देख पा रहे गाइज ये जो मैंने आपको जेल्स आपको दिखाए थे, मैजिक बॉल्स जिसे कहते हैं, यहाँ पे आपको जो है छोटी सी पोर्शन दी जाती है मैगजीन के अंदर, यहाँ पे आपको फिल करना है। ये पूरी मैगजीन आप फिल कर सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। पूरी मैगजीन फिल होने के बाद में आप जो है इसे बंद कीजिएगा एंड मैगजीन की पोजिशन देख लीजिए एक बार। तो ये मैगजीन पोजिशन है, यहाँ पर आपको आराम से लॉक, ये लॉक हो गई मैगजीन। अब आते हैं हम इसके बैक साइड पर, जैसे कि आप चेक कर पा रहे ये इसके स्टॉक्स हैं, ये जो इसके जो बैक के स्टॉक के जो पाइप है ये सब है। अब आते हैं थोड़ी ट्रिकी पार्ट पर, हल्का सा जो है आपको इसमें जो है कुछ प्रॉब्लम तो होगी नहीं। ये देख पा रहे हैं आप, ये बैटरी है इस गन को जो है चार्ज करके, ये बैटरी ऑपरेटेड है, इलेक्ट्रिक जेल ब्लास्टर, सो इट शुड बी हैविंग अ बैटरी। आपको जो बैटरी दी जाती है आप दो जगह से फिल कर सकते हैं, या तो आप जो है नॉर्मली इसे यहाँ पर स्लाइड कर दीजिए, ओके, और एल्स सबसे इजी जो है मुझे लगता है वो जो है यहाँ से जो है नॉर्मली आप ओपन कर लीजिए इसे एंड यहाँ से भी आप आसानी से स्लाइड इन कर सकते हैं। बट स्लाइड इन करने के पहले जो है या बाद में जो है मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए मैं ऊपर से आपको ड्रॉप करके दिखाना चाह रहा हूँ, ये ऊपर से मैंने ड्रॉप कर ली कि किस तरह से ये अंदर जो जाती है। आप जो है यहाँ पर आपको ध्यान देना है गाइज, ब्लैक पार्ट मीन्स जो गन में जाकर इस वायर में जाकर अटैच होगी एंड गन विल बी वर्किंग। व्हाइट पार्ट क्यों है, यहाँ पे आपको व्हाइट केबल की ये दी जाती है, तो इसे जो है चार्ज करना होता है। नॉर्मली गाइज ये याद रखिएगा, व्हाइट इज इक्वल टू व्हाइट एंड ब्लैक इज इक्वल टू ब्लैक। सो मैं अब जो इसे ज्वाइन कर ले रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पाते थे पिन जो है इसके आपको तोड़ने नहीं है, तो प्रॉपरली इसे जो फिल इन कर लीजिएगा। जो है मैं आपको अभी कैसे लगाना है मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं ये होल्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको नॉर्मली इसे प्लग इन करना है। अब ये प्लग इन होने के बाद में क्या करना है, कुछ करना है नहीं, बस आपको इसे आराम से इस तरीके से रखना है,
इसे जो आपको दी गई थी यहाँ पे जो आप चेक कर पा रहे हैं, इस तरीके से ड्रॉप कीजिए, फिक्स हो गई है ये। इसके बाद में क्या करते जाना है, जो मैं कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे आपको चेक कर पा रही, ये जो चीज़ ये मूविंग पार्ट है, ये डायरेक्टली अंदर नहीं घुस पाएगी, ये इसे आपको इस तरीके से बेंड करना है। सो गाइज यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं, मैंने इसे जो है पार्ट को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे मुझे इसे बेंड करना है, यहाँ पे इस तरीके से जो थोड़ा जो है आपको प्रेशर लगाना ही होगा, क्योंकि जो है इसके बाद में आपको क्या करना है, इसे नॉर्मली जो है अंदर की तरफ लॉक कर देना है। अब ये जो है लॉक हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको जो ये ग्रूविंग्स दिख रहे हैं, आपको इसके अंदर जो है डाल के, अब मैं इसे इसके अंदर जो है प्रेस कर दे रहा हूँ। एंड ये ध्यान रखिएगा कि वायर को कुछ होना, तो बड़े प्यार से इसे जो है लगाना है, या आप कह सकते बंद करना है। सो आप चेक कर पा रहे हैं, अब इस पोजीशन तक आ चुकी है। अब मैं राइफल को हल्की से यहाँ तक जो है मोड़ ले रहा हूँ, इसकी पोजीशन फिक्स हो चुकी है। ये जो रिंग थी प्रॉपरली फिट करना है आपको। तो बचा जो बाहर का पार्ट है वो कैसे लगाना है, ये जो होलोग्राफ है, जो ऑब्वियसली पबजी जो खेलते हैं या जो प्लेयर्स होते हैं तो उन्हें पता ही होगा। सो यहाँ पे आपको काफ़ी आसानी से यहाँ पे जो रेलिंग है, यहाँ पे आपको इट्स डन। सो इसे पोजीशन पर ले आते हैं, जो एक्चुअल पोजीशन होती है, यहाँ पे आपने ये लगा ली। इसके अंदर में जो है आप जानते ही होंगे कि ये किस चीज़ की काम आती है, ये होती है बेल्ट के लिए, बट बेसिकली बेल्ट इसके साथ आती है नहीं। अगर आप लगाना चाहें तो भी आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे इट्स योर चॉइस। आपको जो साइड दिख रही है यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से आप पुश करना है आपको, ओके। ये मैंने सेट कर दिए, इसको भी आप जो फिक्स होती है इसको आप ऊपर ले लीजिएगा। एंड सेकेंड जो है, अगर आपको बेल्ट का दूसरा साइड कहाँ देखना है, ये जो है ये एक एक्स्ट्रा दी गई है, ये आपको जो पीछे के साइड में जो है लगानी होती है, जिस पार्ट पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैगजीन इज़ अ ड्रॉप आउट मैगजीन। सो यहाँ पे ये जो स्क्रू है ये एक्चुअली है एक बटन। सो यहाँ पे आपको हल्के हाथ से प्रेस कीजिएगा एंड ये जो मैगजीन है निकल जाएगी। इट इज़ अ ड्रॉप आउट मैगजीन, सो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। सेकेंड, अगर आपको इस गन को कैसे चलाना है वो देखनी है। ये जो है ये काफ़ी ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। एंड ये गाइस ये थोड़ी प्लास्टिक मेड है तो संभल कर कीजिएगा, मैं जिस तरह से दिखा रहा हूँ। ये अब चल रही है वन पॉइंट पर, अब आपको इसे करना ऑटोमेटिक पे। यहाँ पे आपको जो है ये चेक कर पा रहे आप ये निशान, ठीक है, ये बुलेट जा रहे हैं, ठीक है। इसे आपको हल्के हाथ से ऊपर, वन टू थ्री, अब ये गन चालू हो चुकी है, इट इज़ ऑन ऑटो मोड। सो गाइस जैसे आप देख सकते हैं हमारी M4 पूरी की पूरी तरह रेडी हो चुकी है, फुल मेंटल फॉर्म पर है। अब जो हम इसे बताने जा रहे हैं, इसे बताने जाएंगे हम फायर करके कि कैसे ये चल रही है एंड इसकी FPS हम थोड़ी सी रिव्यू लेंगे। अब कैसे इसे लोड करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे एक बटन है, इससे आप मैगजीन रिलीज़ कर सकते हैं। सो मैंने ये मैगजीन रिलीज़ कर दी है, हमने कुछ BBs इसमें लोड किए हुए थे, बट अभी आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये जो BBs थे जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताए थे, ये जो है जेल BBs आप कह सकते हैं, मैजिक बॉल्स, ये जो है हमने सोक करके रखी हुई थी। दो तरीके से इसे लोड किया जा सकता है, या तो आप यहाँ से जो है, आपको यहाँ जो होल दिख रही है यहाँ से आप नॉर्मली पुट इन कर सकते हैं, और एल्स बेस्ट एंड ईजिएस्ट वे, यहाँ पे जो है आपको एक सरफेस दी जाती है, यहाँ पे आपको जो है नॉर्मली BBs लोड करने होंगे। अब मैं कुछ BBs ले लेता हूँ, उसे हम लोड करने चाहेंगे। सो ले चुके हैं हम कुछ BBs और हम अब इसमें लोड करने वाले हैं। सो अब हमने भर लिए इसमें कुछ BBs, अब इसे कैसे लोड करना है, यहाँ पे आप बटन देख पा रहे, एक छोटी सी बटन है, इससे आपको अंदर जो है इस पर पहले उंगली रख लीजिएगा क्योंकि बाहर ना गिर जाए, एंड बटन को हल्के हाथ से आपको दबा देना है। अब आपको इसे, जैसे कहते हैं कि दवाई की बॉटल को शेक वेल, सो यस गाइस शेक इट वेल, क्योंकि आपकी जो मैगजीन है यहाँ पे होगी, सो आपको कुछ इस तरीके से इसे शेक करना होगा, ओके। आपको एक फीलिंग आपके हाथ में, अगर ये गन होगी मैगजीन होगी, तो आप फील ऊपर कर पाएंगे कि यहाँ पे जो है आपकी मैगजीन जो BBs है पूरी भर चुकी है। सो यहाँ पे हमारी जो गन है BBs लोड हो चुकी है। सो अब हम जो है आपको काफ़ी आसानी से लोड, सो अब हम करके दिखाएंगे इसकी फायरिंग कि इसे कैसे चल रही है, एंड थोड़ी सी रिव्यू, थोड़ी सी मस्ती हो जाए। चलिए, सो गाइस अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फायरिंग। सो आप बस चेकआउट कीजिएगा कैसी आपको लग रही है गन। वाओ गाइस, ये थी कुछ अमेजिंग फायरिंग, आप देख सकते हैं इसकी क्या पावर है इस गन की। हालांकि जेल ब्लास्टर है, बट इट इज़ रियली अमेजिंग, एंड जो फील मुझे आ रही है, इट इज़ आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, जस्ट इन आई इन हेवन गाइस। वाओ, ओह माय गॉड, वाओ। आप देख कर पा रहे हैं कि ये जो है नॉर्मली पेपर टारगेट है, बट ये उससे भी कितनी तेज़ी से हिट कर रही है, एंड द एक्यूरेसी इज़ लिटरली अमेजिंग गाइज। ये जो मैं कुछ 10 मीटर की रेंज पर खड़ा हूँ, बट द एक्यूरेसी इज़ लिटरली अमेजिंग।
एक बार जो है फिर से हम जो है ट्राई करेंगे कि ये कैसी लग रही है। आप देख पा रहे हैं कि अब इसने इस पेपर टारगेट को भी चीर दिया है। सो लिटरली यू कैन जस्ट इमेजिन, वाओ, जो आज तो इस पेपर को तो गाइज लेट ज़ूम इन कि क्या हालत की है इस गन ने। एंड यू कैन सी गाइज लिटरली देख पा रहे हैं कि इस जो पेपर का क्या हालत हो चुकी है। एंड लिटरली दिस इज अ टारगेट पेपर, नॉट एन नॉर्मल पेपर। बट या आप चेक कर पा रहे हैं हमारे जो टारगेट है बॉक्स बीवी जो थे हमारे वाटर बीवी से जो जेल्स थे वो टोटली इट इज इन श्रेड्स हियर। बट आप लिटरली इसकी पावर चेक कर पा रहे हैं क्योंकि जो एमिंग थी हमारी प्रॉपर इसी टारगेट के अंदर गई है। एंड इट इज़ बेसिकली द बेस्ट। एंड इसकी जो एफ पी एस का इट इज़ मोर देन 100 एफ पी एस, सो दैट इज मोर देन अमेजिंग। सो ये आपने देख ली इस गन की फायरिंग वीडियो जो काफ़ी अमेजिंग थी गाइज। अब अगर आपको ये गन लिटरली पसंद आई है तो इसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर कहाँ से करना है आपको इस गन को, आप हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे लिंक दी गई है, आप इस गन को काफ़ी आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। या तो आपको कोई सवाल है आपके मन में तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी हमारी जो है आप स्क्रीन या डिस्प्ले पर चेक कर पा रहे हैं। कॉल बैक रिक्वेस्ट आप हमें कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, आप स्क्रीन पर जो है आपको जो है पैनल दिख रही है यहाँ पे आपको बस अपना नंबर एंटर करना है एंड आपको 24 वर्किंग आवर्स के अंदर आपको हमारी साइड से कॉल आ जाएगी। सो गाइज वन लास्ट थिंग बट नॉट लीस्ट, सब्सक्राइब माई YouTube चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर मोर एंड लेटेस्ट वीडियोज़। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक जय हिंद।